भी लोगों को जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्नेहवंदन करता हूं। और दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसका पहला से लेकर तीसरा आयत तक तीन आयत पढ़ लीजिए। दूसरा इतिहास उसका अध्याय 20 उसका शुरू से लेकर तीसरी आयत तक पहला दूसरा तीसरा पहले हिंदी में पहले इंग्लिश में पंजाबी पढ़ेंगे उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे। ऐसे मगरों क्या होया कि म्योपी अते इमोनी अते उन्ना नाम की हो इमोनिया को छुट जो होशाफाट दे नाम लड़ा ना हो ताकि क्या ने आके जो होशाफाट खबर दी कि समुद्र के पार अगामी बदलो तो बड़ा पानी तक तेरे टाकरे ले आ रहा है अते वे वो वसेवन से मार बिचहान जो एक कहीं है ता जो होशाफाट पै आके जोवा के बेटी की थी ते वास्ते रही सारे यहूदियों में चटौती पिटवाई। इसके बाद मुआबियों और अमोरियों ने और उसके साथ कई मुनोनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशाफात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशाफात को बता दिया ताल के पास से दलों के देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। यहोशाफात उस महाराजा के बारे में मैं आज आपसे कुछ बातें बताने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर की आत्मा जो अगुवाई दिया है किया है उसके आधार पर आपसे कुछ बातें मैं शेयर करने के लिए चाहता हूं। यह बात इस हम अचानक जानता है इसराइल होकर एक देश थे और इसराइल का राजा बनकर शाऊल पहला राजा बन गया। ऐसे आते आते शाऊल दाऊद सुलेमान उसके बाद इसराइल दो भाग हो गया। उस दो भाग इसराइल और यहूदा ऐसे दो देश में बांटा गया। फिर सुनो ये दो देश में बांटने के वक्त में इसका जो यहूदा का चौथे राजा थे यहोशाफात आसा का पुत्र था। और पढ़ लीजिए दूसरा इतिहास उसका 14 का दूसरा आय दूसरे इतिहास उसका 14 अध्याय उसका दूसरा आय। आसा ने ओही कीता जो यहोवा ओदे परमेश्वर दी निगाह विच भला ठीक सी। आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। पर सुनो यहोशाफात का बाप परमेश्वर को भय मानने वाला एक व्यक्ति थे। उस बात को उसका बाप ने उसका बेटा को भी ये सिखाया धन दौलत पदवी सब कुछ हमारे पास है तो भी परमेश्वर का भय मानकर आगे बढ़ना प्रार्थना में वजन में उपवास में आगे बढ़ने के लिए एक हालेलुया नमूना दिखाने वाला एक व्यक्ति था आसा। पर ऐसा हमारे बच्चों के बारे में हम भी ये नमूना जरूर हमारे बच्चों को भी हम देना है। हम परमेश्वर को जीवित परमेश्वर को हम भी याद करने के लिए बच्चे लोग परमेश्वर को याद करने के लिए और उसके राह पर चलने के लिए हम भी हालेलुया उनको हमेशा अगुवाई देना। क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे बच्चों को ये लगता है मेरे बाप के पास पैसा है मेरे बाप के पास अधिकार है मेरे बाप के पास सब कुछ है इसीलिए परमेश्वर को मानो ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं है फर्क पड़ेगा या धन और दौलत के साथ परमेश्वर के कोई देना लेना नहीं है। परमेश्वर को इसलिए हम मानते हैं क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है हमें आगे चलाने वाला परमेश्वर वो ही है। धन है हो ना हो उसका कोई देना लेना नहीं है। फिर आसा ने परमेश्वर को इस ये बात आसा ने ये बात अपना बेटा यहोशाफात को समझाया था। इसलिए जब उसके जीवन में परेशानी आया जब उसके जीवन में समस्या आया समस्या आने के वक्त में अपने आप अपना धन अपना दौलत अपना शक्ति के ऊपर अपने सेना के ऊपर नहीं है यहोवा परमेश्वर के ऊपर उसने ध्यान लगाया। और जो हमें पहले पढ़ा
पहला, दूसरा और तीसरा पढ़ लीजिए। इसके बाद मुआबियों और अमोनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध। देखो, मोआबिया, अमोनिया, यमोनिया, ये तीन देश के लोगों ने, तीन देश के लोगों ने यहूदा के खिलाफ आ गया। हमारे जीवन में एक समस्या आने के बारे में हम सपने देखा, हम दर्शन देखा, हमको भविष्यवाणी हुआ है, हम सोने वाला ना हो। कई बार परमेश्वर की आत्मा हमसे कई लोगों के जरिए या सपने के जरिए या हालेलुया दर्शन के जरिए या वचन के जरिए या भविष्यवाणी के जरिए परमेश्वर की आत्मा हमसे बातचीत करता है। हमारे जीवन में कुछ होने वाला है, कुछ नुकसान होने वाला है, कुछ भलाई होने वाला है, कुछ बात होने वाला है, हम उस बात को लेकर सोने वाला नहीं हो। यहोशाफात ने अपने जीवन में इधर सेना अपने खिलाफ आ रहा है, हमारे देश को वाले लिया अच्छा करने के लिए तीन सेना आ रहा है, अभी क्या करें। आमतौर से हमारे जीवन में एक दुख आने के वक्त में हम भाई भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसे हम हाल घबराते हैं। इधर यहोशाफात ने क्या किया है, पढ़ना तीसरी आयत। तब यहोशाफात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। हाँ, यहूदा में ऐसा बोला, हम अभी विपत्ति में पड़ने वाला है, हमारे खिलाफ सेना आ रहे हैं, इसलिए आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। वो बात नहीं बोला, उसने उपवास किया। उपवास के बारे में सभी के सामने हालेल बताया, सभी उपवास करें, परमेश्वर के और हालेलुया लगे रहो, परमेश्वर के लगे परमेश्वर के और हालेलुया। हम देखे परमेश्वर हमारे लिए महान काम करेगा। फिर ऐसे कई बार हमारे जीवन में उन्नति आने के लिए, ताकत आने के लिए, छुटकारा आने के लिए ये बात हालेलुया हम सीखना बहुत अच्छा है। कई बार कई लोगों ने क्या करते हैं, कई लोगों ने विपत्ति के बारे में, दुख के बारे में, परेशानी के बारे में आने के वक्त में वो दूसरे का सलाह लेते हैं जिन्होंने इस बात में फेल हो गया। हालेलुया, जिन्होंने इस बात में फेल हो गया उन लोगों का सलाह लेते हैं, एडवाइस लेते हैं। फिर यहोशाफात ने राजा होने के बावजूद भी, उसके पास सेना होने के बावजूद भी, उसके बाद सारे धन दौलत सब कुछ होने के बावजूद भी उसने अपना हल लिया, परमेश्वर के हजूरी में घुटने टेकने के लिए तैयार हो गया, परमेश्वर के सम्मुख में अपना खाना को छोड़ने के लिए तैयार हो गया, परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करने के लिए तैयार हो गया। हम दुनियादारी में देखे तो लोग बोलेगा, भाई डॉक्टर ने जवाब दिया तो प्रार्थना करने से क्या फायदा हो जाएगा। हालेलुया, डॉक्टर ने जवाब दिया, डॉक्टर क्या अनपढ़ है, उसने इतने पढ़े हैं, इतने रिसर्च किए हुए हैं, इतने डिग्री लिए हुए हैं, वो लोग ने हालेलुया आपसे बोला ये बीमारी चंगा ही नहीं होगा, और काउंसलर ने बोला इसका ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगा, और कई लोगों ने आपके खिलाफ बोला ये कभी भी कुछ नहीं होगा। हमने परमेश्वर के सम्मुख में घुटने टेकने के लिए तैयार है, परमेश्वर हमारे लिए करेगा। आमेन, आमेन, परमेश्वर हमारे लिए करेगा। यहोशाफात भी यही किया है। यहोशाफात राजा है, राजा शत्रु सेना आ रहे हैं तो सबसे पहले उनका मन में ये आना, मेरे सेना को भी मैं खड़ा कर दूं। यहोशाफात ने मेरे सेना को खड़ा नहीं किया, उसने परमेश्वर के हजूरी में गिर पड़ा। आपके फैमिली के प्रॉब्लम, आपके जॉब में प्रॉब्लम, आपके बच्चों के जीवन में प्रॉब्लम, आप हाले लिया इधर 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 उधर हाले ना जाइए, परमेश्वर के हजूरी में घुटने टेक कर प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए तैयार है तो परमेश्वर आपके लिए महान काम करेगा। आमेन, आमेन, परमेश्वर आपके लिए महान काम करेगा। यहोशाफात के बाप ने ये बात दिखाया, तुम्हारे लिए प्रार्थना या हालेलुया उपवास ही हालेलुया जय के लिए एक रास्ता है। आमेन, आमेन। इधर उसने आगे आगे प्रार्थना करना शुरू किया और आगे उसका 12 आयत
हे साडे परमेश्वर कि तू इन्हां दा न्याय नहीं करेगा क्यों जो उस वड्डे दल दे अगे जो साडे विरुद्ध आ रहा है साडी कुछ ताकत नहीं अते ना असी ए जानदे हां की करिए पर साडियां अखां तेरे वल लगियां रहणगियां। हे हमारे परमेश्वर क्या तू उनका न्याय ना करेगा यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उनके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए। हमको ये पता नहीं है हम क्या करना है। डॉक्टर ने जवाब दिया, डॉक्टर ने इतना रुपया है तो सर्जरी के बारे में बोला हुआ है, बच्चा बढ़ गया है हालेलुया, उसको शादी के बारे में हालेलुया, हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है, बच्चा को पढ़ाना है हालेलुया एडमिशन के लिए उसके पढ़ाई के लिए बहुत पैसा आएगा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे हालेलुया हर रोज का हालेलुया खर्चा चलाने के लिए रेशन लेने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम हालेलुया बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने के वक्त में एक एक स्टेप में हालेलुया हमको फेल हो रहा है, एक एक स्टेप में नुकसान हो रहा है, आगे क्या करना है हमको पता नहीं है। जब हम परमेश्वर के सम्मुख में हम अपने आप हलीम करते हैं, हम अपने आप हलीम करते हैं, तब परमेश्वर अपना हालेलुया रास्ता हमारे लिए खोलेगा। आमीन, आमीन। जब हम बोलते हैं सब कुछ मेरे को पता है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, सब कुछ मेरे को पता है, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नहीं करेगा। जब हम अपने आप हलीम करते हैं, जब अपने आप हम हाले नीवा हो जाते हैं, परमेश्वर हमारे बड़ा काम करना शुरू करते हैं। इधर उपवास के साथ एक देश, पूरा देश बैठे हुए हैं, हालेलुया, एक दो लोग नहीं है, पूरे देश हालेलुया यहूदा पूरा परमेश्वर के हजूर में प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ बैठे हुए हैं। हालेलुया, ये प्रार्थना के बीच में ही हालेलुया परमेश्वर की आत्मा हालेलुया आ गया। हम अच्छा तरह पता जानते हैं हालेलुया पुराने नियम में परमेश्वर की आत्मा आते जाते रहते थे, जब काम होते थे आकर हालेलुया भविष्यवाणी है, चंगाई है, जो कुछ है हालेलुया परमेश्वर की आत्मा हालेलुया जिस काम करना है उस काम कर वापस जाते थे। नया नियम में प्रभु यीशु मसीह का वायदा है हमेशा हमारे साथ रहने के लिए पवित्र आत्मा को हमको दिया गया है। आमेन, आमेन, हालेलुया। जब इन्होंने प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करने के वक्त में उधर हालेलुया उधर उसका 15 उसका 14 14 ओके। तद सभा विचों इजियल लेवी उत्ते जो आपस दी वंश विचों सी अते जकरिया दा पिता ते बिन्याह दा पोता ते येल दा पड़ोता ते मन्यता दा पड़पोता सी जो वादा आत्मा उतरिया ते उस आख्या हे यहूदा ते यरूशलेम दे वसनीको ते हे पाश्चा यहोशाफाट तुसी सारे सुनो यहोवा तुहानू इउं आखदा है कि तुसी इस वड्डे दल दे कारण ना डरो ना घबरो क्यों जो ए लड़ाई तुहाडी नहीं, ये लड़ाई तुम्हारा नहीं है। देखो पहले शत्रु यहूदा के खिलाफ आए थे, पहले शत्रु यहूदा के खिलाफ आए थे, यहूदा लोग यहोशाफाट के अगुवाई में प्रार्थना करना शुरू किया, प्रार्थना करने के वक्त में यहोवा बोल रहे हैं ये लड़ाई तुम्हारा नहीं है, ये लड़ाई मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हालेलुया यशायाह नबी की किताब हम पढ़ने के वक्त में उसका हालेलुया कोड़ खाने से हम चंगा हो गया, वो हमारे रोगों को हालेलुया उसने उठा लिया, हमारे पापों के लिए वो मर गया। हम जब परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप समर्पण करते हैं सब कुछ प्रभु का होता है, बाकी प्रभु करेगा। हालेलुया, आगे परमेश्वर बोलता है ये लड़ाई तुम्हारा नहीं है। हालेलुया उसका 17 हिंदी में बोलना 17 तुम्हारे लड़ना ना होगा, हे यहूदा हे यरूशलेम ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। प्रार्थना करने वाले लोगों, उपवास करने वाले लोगों, परमेश्वर के ओर लगे रहते हुए लोगों, परमेश्वर बोल रहा है
ये हालेलुया जिस विषय के लिए इस दिनों में आप लोग प्रार्थना कर रहे हो, उपवास कर रहे हैं, हालेलुया परमेश्वर के हुजूर में घुटने टेके हैं, परमेश्वर बोल रहा है मेरे काम आप देखने वाला है। आमीन। मेरे काम आप देखने वाला है। पर मैं इस बातों को क्यों आपके सन्मुख में लेकर आया, यहोवा शफात ने परमेश्वर के ऊपर इतना विश्वास, इतना हालेलुया उसके ऊपर भरोसा थे, परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से भरोसा रखने वाला एक व्यक्ति था यहोवा शफात। यहोशाफात के जीवन में जो कुछ समस्या आया केवल वो नहीं है, उसने अपने जीवन के जरिए बाकी लोगों को भी नमूने दिखाया, जब दुख आता है, जब परेशानी आता है, प्रभु पर भरोसा रखना। हालेलुया, हालेलुया। जब परेशानी आता है, जब मुसीबत आता है, परमेश्वर पर भरोसा रखना, अपने ऊपर नहीं है, अपने धन के ऊपर नहीं है, अपने शक्ति के ऊपर नहीं है। यहोशाफात के जीवन हमारे लिए एक नमूना है। केवल इतना नहीं है, यहोशाफात के जीवन में और भी कुछ बातें हैं। हालेलुया, यहोशाफात हालेलुया। जब जब उसके जीवन में समस्या आया, परमेश्वर पर उसने हालेलुया भरोसा रखा। कई बातें परमेश्वर के हालेलुया भजन हम पढ़ने के वक्त में ही हालेलुया यहोशाफात के बारे में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। पर मैं और आप, हमारे जीवन में भी हम एक हालेलुया, ये बात हालेलुया हमारे जीवन में एक नमूना होवे। हमारे जीवन में जो कुछ समस्या आवे, फैमिली में, पर्सनल में, हालेलुया प्रोफेशनल में, जो कुछ बात आवे, प्रभु पर भरोसा रखे। अपने बुद्धि के ऊपर नहीं है, अपने ज्ञान के ऊपर नहीं है, अपने धन के ऊपर नहीं है, वो किसी के ऊपर नहीं है, तब ही यहोवा हमारे लिए काम करेगा। आमेन, आमेन, आमेन। ये सारे बात होने के बावजूद भी यहोशाफात के जीवन में कई हालेलुया नेगेटिव पॉइंट भी है। बाइबल ऐसे किताब है, वीर शूर लोगों के बारे में, भक्त लोगों के बारे में, नबी के बारे में, परमेश्वर के लोगों के बारे में, सब कुछ उनके जीवन में जो पॉजिटिव हुआ है वो पॉजिटिव लिखता है, जो नेगेटिव हुआ है वो नेगेटिव लिखते हैं। कभी भी हालेलुया सभी को, हालेलुया सभी का गलती को हालेलुया पर्दा डालकर बाइबल कभी भी हालेलुया परमेश्वर के आत्मा लिखते नहीं है। उनके जीवन में जो गुण है वो गुण को लिखते हैं, जो हालेलुया दोष है उस दोष को भी लिखते हैं। परमेश्वर ने सब कुछ देते हैं, परमेश्वर ने जय देते हैं, कई बार क्या होते हैं हम प्रभु को कबूल करते हैं, कई बातें हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, कई रीति रिवाजे हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, कई बातें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उसके कारण परमेश्वर के सन्मुख से दूर होना पड़ता है। हालेलुया। पढ़ लीजिए दूसरा इतिहास उसका 18 अध्याय, उसका पहला और दूसरा आय। यहोशाफात दा धन्न अते जित बहुत सी, अते उसने अहाब दे नाल रिश्ता गंढिया, अते कुछ वरिया मगरों ओ अहाब दे कोलों सामरिया नूं गया, अते अहाब ने उस दे साथियां लई भेडां बकरियां ते बहुत सारे टगे कटे, अते ओनूं अपने नाल रमात गिलियाद उत्ते चढ़ाई करन लई प्रेरिया। बस हिंदी में यहोशाफात बड़ा धनवान और ऐश्वर्य हो गया। देखो यहोशाफात के पास सब कुछ है, यहोशाफात के पास सब कुछ है, और वो उसका जो बैठना उठना थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है। वो जिनके साथ हम संगति रखना नहीं चाहिए उनके साथ संगति रखना शुरू किया। पढ़ो जी। और उसने अहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। कुछ वर्ष के बाद वह शिमरोन में अहाब के लिए पास गया। तब अहाब ने उसके और उसके संगियों के लिए बहुत सी भेंट किया। हमें जिसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए, बाइबल में ये अहाब के बारे में बहुत कुछ लिखा है।
अहाब इस्राएली लोगों को पाप कराने के लिए, मूर्ति पूजा कराने के लिए, परमेश्वर से दूर जाने के लिए बहुत कुछ हालेलुया कोशिश किया हुआ एक व्यक्ति है अहाब। और आहाब परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं को पूजा करने के लिए पूरा इंतजाम इसराइल में कर दिया है। और इसराइल का पवित्र परमेश्वर को छोड़ना एक दुख की बात नहीं है, एक हालेलुया गलत की बात नहीं है कर वो लोगों को सिखाया, इसलिए सिखाया कारण अपने पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, अपने पत्नी को प्रसन्न कर रखने के लिए आहाब ने अपना परमेश्वर को छोड़ दिया। कई लोग ऐसे हैं अपने पत्नी को प्रसन्न करके रखना, परमेश्वर को क्या भी होवे कुछ भी नहीं है, अपने पत्नी को प्रसन्न कर रखना। आहाब इसबेल के साथ शादी किया, इसबेल ऐसी स्त्री थी जिसका जो मूर्ति पूजा से सब कुछ हाले लिया लोगों को प्रसन्न करने वाली एक जनानी थी। उसने अपने पति को अन्य जाति का पूजा में अन्य परमेश्वर को छोड़कर, यहोवा छोड़कर बाकी सब कुछ करने के लिए आहाब को प्रेरणा देती थी। साथ साथ यहोवा के नबियों के खिलाफ बहुत कुछ करने वाली एक स्त्री थी। पर उसके साथ यहोशाफात रिश्ता बन गया, जहां नहीं करना चाहिए उधर आहाब ने करना शुरू किया। पर हम कई बार इसलिए ऐसे बातों में फंस जाते हैं जो हम हमारे जीवन से निकालना चाहिए वो निकालते नहीं है। हालेलुया, जो निकालना चाहिए वो निकालते नहीं है, इसलिए हमको ये लगता है कोई बात नहीं ये भी कर सकता है, कोई बात नहीं वो भी कर सकता है। यहोशाफात परमेश्वर को सच्चे दिल से मानने वाले एक व्यक्ति थे, अपने बाप के साथ चलकर अपने बाप से जो किया है और जो कुछ निकालना था वो निकाला नहीं है। पर ये पहला राजा उसका 22 अध्याय उसका 42 और 43 22 पहला राजा उसका 22 उसका 42-43 हिंदी में पढ़ना। जब यहोशाफात राज करने लगा तब वह 35 वर्ष का था और 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा। उसके माता का नाम अर्जुबा था और शहली की बेटी थी और उसके 400 प्रकार से उसके पिता आसा की सी थी, अर्थात जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही वह करता था और उससे कुछ ना हुआ तो भी ऊंचे स्थान खाए ना गए। प्रजा के लोग ऊंचे स्थान पर उस समय भी बलि किया करते थे और धूप भी जलाया करते थे। जो निकालना था, जो परमेश्वर ने घृणा करते थे वो जो निकालना था, जो इसके जीवन में ही अच्छा नहीं है उसको निकालना था, वो निकालने के लिए यहोशाफात तैयार नहीं था। लोग जो करते थे उसको मना करने के लिए भी यहोशाफात तैयार नहीं था। फिर इसलिए आहाब के साथ रिश्ता करने के वक्त में इसको कोई फर्क नहीं पड़ा।
प्रियासो हमारे जीवन में परमेश्वर के सम्मुख में हम चलने के वक्त में ऐसा कौन सी चीज है हमें परमेश्वर के लगन से हमें पीछे खींच लेते हैं, उस चीज को हम नो बोलना है। हालेलुया। यहोशाफात प्रार्थना करने वाला था, सब कुछ करने वाला था, बल्कि परमेश्वर जो घृणा करते थे वो खुद घृणा करने के लिए तैयार नहीं था। मैं इसलिए बाइबल के बारे में बोला, जो परमेश्वर के लोग जो भला करे बुरा करे उनका हर एक बात को परमेश्वर के कलाम में लिख कर रखे होते हैं। हमारे आशीष को कौन सी ऐसा चीज है रुकावट है, कौन सी घृणय वस्तु घृणय काम हम में पीछे खींच लेते हैं। हम प्रार्थना करना वाला हो, हम उपवास करने वाला हो भी, परमेश्वर जो जिस चीज को घृणा करते हैं उस वस्तु को हमारे जीवन से भी हम दूर करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम करने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर बड़े काम करने के लिए चाहते हैं, परमेश्वर बड़े काम करने के लिए चाहते हैं, तो घृणय वस्तु घृणय काम हमारे जीवन में जो कुछ है वो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। पम्मा उधर बैठेगा, घृणय काम हालेलुया हम दूर करना है। प्रयास हो, कई बार क्या होता है, हम बच्चों के लिए कुछ करते हैं, घरवाली के लिए कुछ करते हैं। आहाब के जीवन में भी वही काम था। आहाब के जीवन में श्राप आने का कारण यही था, अपने पत्नी को प्रसन्न किया। यहोशाफात ने अपने लोग अपने पीछे से जो लोग पूजा कर आया, रीति रिवाज आया, उसको परमेश्वर के वचन के आधार पर रोकने के लिए तैयार नहीं था, वो उसके लिए फंदा के कारण हो गया। हमारे जीवन में भी हम परखे कौन सी ऐसे बात है परमेश्वर के आशीष से हमें दूर कर लेते हैं, या कौन सी ऐसे काम है हम कर रहे हैं परमेश्वर उसमें दुख है। यहोशाफात के जीवन का दो बातें हम देखा है, एक दुख आने के वक्त बच्चाने आने के वक्त परमेश्वर के और देखने के लिए वो तैयार था, दूसरा है अपने जीवन में हालेलुया जो घृणे काम है या वक्तु है वो निकालने के लिए तैयार नहीं था। आइए हम आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें प्रभु से। हालेलुया हम प्रार्थना करें। ऐसा कौन सी चीज है हालेलुया हम अभी भी हालेलुया पकड़े रखे हैं जो परमेश्वर घृणा करते हैं। हम पकड़े रखेंगे बाद में वो कई हालेलुया बातों में हम इन्वॉल्व होने के लिए वो कारण हो जाते हैं। यही कारण है आहाब के साथ हालेलुया वो रिश्ता किया है, आहाब के साथ रिश्ता किया है, यही कारण है उसको ये पता नहीं चल रहा है मैं क्या कर रहा हूं मैं क्या नहीं कर रहा हूं। आहाब परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, परमेश्वर के नबियों के खिलाफ काम करने वाले एक व्यक्ति है, एक राजा है। वो जानकर भी यहोशाफात ने उसके साथ रिश्ता कर रहा है। कारण ये है पिछले दिनों में जो छोड़ना था वो छोड़ा नहीं है, इसलिए उसका हालेलुया सीरियस उसके समझ में नहीं आ रहा है। यहोशाफात के जीवन में पॉजिटिव बात ये है, हर बातों में प्रभु पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति था। मुश्किल के समय में, दुख के समय में, निराशा के समय में परमेश्वर के और देखता था और परमेश्वर से प्रार्थना करता था, उपवास करता था और परमेश्वर से जय पाता था। कभी भी अपना धन दौलत के ऊपर भरोसा नहीं रखा, उसने अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, वो उसके लिए एक जय के कारण हो गया। शत्रु सेना को हालेलुया यहोवा परमेश्वर ने बोला तेरे लिए नहीं है मेरे लिए, मेरे खिलाफ उन्होंने आ रहा है, ये लड़ाई हालेलुया तेरा नहीं है मेरा है। फिर सो हम समस्या आने के वक्त में, हमारे जीवन में मुसीबत आने के वक्त में, दुख आने के वक्त में, बीमारी आने के वक्त में हम किसके ऊपर भरोसा रखते हैं?
पड़ोसी के ऊपर, धन के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, समझ के ऊपर, या किसके ऊपर हम भरोसा रखते हैं? योशापत जैसे परमेश्वर के सम्मुख में खड़े होकर परमेश्वर के ऊपर हाले भरोसा रखकर परमेश्वर के हाले लिए सम्मुख में घुटने टेककर उपवास के साथ रहने के लिए क्या हम तैयार हैं? हमारा सोच बदले, हमारे पास क्या है तो भी प्रभु के हालेलुया इच्छा के अनुसार चले। जो कुछ समस्या आएगा, दुख आएगा, प्रभु के हजूरी में घुटने टेके कितना फायदा हो भी परमेश्वर के, परमेश्वर जो घृणा करते हैं वो लोगों के साथ रिश्ता करने के लिए तैयार ना। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर सुंदर अवसर के लिए। प्रभु जी आपने हमसे बातचीत की, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपके हजूर में हम ईमानदार होकर आगे बढ़ने के लिए आप हमें मदद और सहायता करें। अनुग्रह